सुसमाना। कह गए तुलसी संत सुजाना, कक्का जी ने मरम ये जाना। काम बनाए अक्षर ज्ञाना, काम बनाए अक्षर ज्ञाना। अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, हैं कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मक्कारों की पोल खोल कर, अरे मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना। ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं। हाजिर हैं, झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद दे धनाधन। भाई ये हमारा नाम है, भूल तो नहीं गए? और सच बताना आप लोग मेरी ये बक बक सुनकर बोर तो नहीं हो गए? वैसे मैं भी यहाँ रोज बैठ बैठ कर उकता गया हूँ, पर क्या करूँ, गांव के लोगों के सुख दुख की चिंता भी तो करनी पड़ती है। अरे भाई ये कौन चले आ रहे हैं? अरे भाई कुत्ते की पूंछ 100 साल नली में रखो फिर भी जब निकालोगे तब तेरी की तेरी ही रहेगी, वो कभी सीधी नहीं होने वाली। तूने मुझे कुत्ता कहा? देख भाई अब मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ तू कहता कहा है, तू तो सिर्फ करता ही है। अब मैंने क्या किया? जादू टोना। जादू टोना और मैं? देख भाई मैं तेरे जैसा अनपढ़ और गंवार इंसान नहीं हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं। हाँ मैं खूब जानता हूँ तू क्या पढ़ा है और क्या लिखा है। मेरे खेत पर ऐसी जादू टोना कर देता है कि मेरी पूरी फसल बिगड़ जाती है। बेकार की बात करता है, तेरी फसल कोई जादू टोना से खराब नहीं होती, तेरी फसल खराब होती है तेरी खुद की बेवकूफियों से। तूने मुझे बेवकूफ कहा? अब मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, पूरा गांव जानता है तेरी बेवकूफियों को। तूने मुझे फिर से बेवकूफ कहा? देखो तो इन नाटकबाजों को, शंकर और शंभू, ये दोनों पड़ोसी हैं, इनके खेत भी एक दूसरे के अगल बगल में हैं, पर पिछले 15 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि दोनों के बीच झगड़ा न हुआ हो। असल में तो मुझे लगता है मेरा नाम इनको दे देना चाहिए, एक का नाम झगड़ा प्रसाद तो दूसरे का नाम लफड़ा प्रसाद। लेकिन सच बताऊं इनके झगड़े में सारा दोष अकेले शंभू का है। उसे बार बार समझाया जाए कि खेती करने का उसका तरीका गलत है तो भी वो
सोचेगा कि जो भी बुरा होता है वो सब शंकर के टोटे टोनके से ही होता है, और ये शंकर बेचारा वो भला उसका काम भला, वो क्यों किसी के खेत पर जादू टोना करने में अपना वक्त बर्बाद करेगा। अरे वो पढ़ा लिखा है, अकलमंद किसान है, नए जमाने की वैज्ञानिक रीति से खेती करता है, कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेता है, दुनिया भर की जानकारी रखता है, और ऊपर से शंभू की भी जितनी हो सके उतनी मदद भी करता है। पर शंभू एक नंबर का आलसी और निकम्मा इंसान है, खुद तो काम करता नहीं और अपने छोरे को भी स्कूल भेजने के बजाय लगाए रहता है काम पे। देख शंभू, मुझे माफ कर, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, न तो मैं कोई जादू टोना में विश्वास रखता हूँ। अरे पूछना तो चल कक्का जी से ही पूछ लेते हैं। हाँ, आप पूछ लेते हैं। राम राम कक्का जी, राम राम। राम राम, राम राम कक्का जी। आओ आओ, अरे पहले बैठो तो सही, मैं तुम दोनों की बातें कब से सुन रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप ही समझाइए इसे। कक्का जी, ये ओझा के पास जाता है और पता नहीं कैसे मंत्र पढ़वाता है जिससे मेरी सारी फसल बिगड़ जाती है। अरे जादू टोने की तो तेरे दिमाग को जरूरत है, भ्रष्ट हो गया है खटिया में पड़े पड़े तेरा दिमाग। थोड़ी मेहनत कर, जरा बाहर निकल और देख दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ना समझ आदमी है ये कक्का जी, ये खुद ओझा के पास जाता है और पूरा दोष मुझे देता है। ये ओझा के पास क्यों जाता है भला? ताकि बिना मेहनत किए अच्छी फसल हो। मतलब ये खानदानी रोग है, इसका बाप भी ऐसा ही था और वो तेरे बाप को ऐसे ही परेशान करता था, तुम्हें तो मालूम नहीं। पर बताऊं, तुम दोनों तीन पीढ़ी से पड़ोसी हो और बरसों से ऐसा होता आया है, मैं उसका गवाह हूँ। क्या मतलब है आपका? यही कि आलस करता है तू और भुगतता है तेरा छोरा, स्कूल भेजने के बजाय उसी से तू काम करवाता है, बड़ा होके वो भी तेरे जैसा ही होगा। पर मेरी जमीन? अरे तेरी जमीन खराब होती है तेरे आलस के कारण, ऊपर से लड़ने जाता है शंकर के पास। तू कभी अपने खेत की मिट्टी का सैंपल लेकर गया है कृषि विशेषज्ञ के पास कि भाई इसमें क्या खराबी है? नहीं। तेरी जमीन के लिए कौन सी फसल अच्छी रहेगी ये पता किया? नहीं। खाद कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए पता किया? नहीं। और एक के बदले साल में दो तीन फसल लेने के लिए क्या करना चाहिए पूछा किसी से? नहीं। तो फिर अच्छी और ज्यादा फसल क्या आसमान से टपकेगी? लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग खेती करते आ रहे हैं, अब हमारी जमीन पर क्या उगाना है और क्या नहीं उगाना ये कोई हमें क्या सिखाएगा? कक्का जी, इसकी ना समझ ही इसकी सारी तकलीफों का कारण है, फिर काम ये नहीं करता और बदनाम मुझे करता रहता है। देख शंभू, तू शंकर की तरह थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो तेरे दिमाग की खिड़की खुली होती और सुखी होने की वो दो चाबियां बड़ी आसानी के साथ तेरे हाथ लग जाती, एक ज्ञान और दूसरी मेहनत। ज्ञान से सही दिशा मिलती है और उसी दिशा में की गई मेहनत का परिणाम अच्छा ही होता है। आओ मैं तुम्हें आज तुम्हारी ही परछाइयों से मिलवाता हूँ। हमारी परछाई? हाँ, दो ऐसे दोस्तों की कहानी दिखाता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह के थे। एक था सुखी राम, दूसरा दुखी राम। सुखी राम शंकर जैसा पढ़ा लिखा समझदार इंसान था और दुखी राम मेरे जैसा आलसी निकम्मा और झगड़ालू इंसान। अब तू इतना समझ चुका है तो इस कहानी का सबक भी ठीक तरह समझ लेगा। तो देखो सुखी राम दुखी राम की कहानी।
उठ के खाना खा लो, कब तक सोए रहोगे? अरे मेरी माँ जब अच्छी फसल नहीं होती थी तो कहती थी मैं खटिया तोड़ता हूँ, अब अच्छी फसल हुई है तो भी मेरे सोने से तेरे को परेशानी होती है, आखिर चाहती क्या है तू? है कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाना खा के आराम करो बस, और कुछ नहीं। अरे अबे अब ला पानी ला। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? नहीं देखा जाता किसी से, मेरा आराम देखा नहीं जाता यहाँ इस घर में, सब जलते हैं मुझसे। ला पानी ला। ये लो बापू, मुझे मेले में ले चलो ना। मेला? कौन सा मेला? अबे वो मेला कल लगेगा। तो कल ले चलोगे बापू? तू क्या करेगा वहाँ जाके? मैं आइस कैंडी खाऊंगा। ठीक है ठीक है, कल के बाद कल, अब मुझे खाना खाने दे। सच्ची बापू, मेले में ले जाओगे? अरे हाँ भाई हाँ। ए भोलू, भोलू। ए कालिया, चिल्ला मत, आता हूँ। आज हो जाए कल वाली शर्त? हो जाए। तो देख, यहाँ से आगे नहीं जाने का और सीधा निशान लगना चाहिए। अरे मैंने कहा ना तू गलत है। तू गलत है। अरे मेरा निशाना सही लगा है। अरे जा जा, देख जरा ये मेरा तीर सही निशाने पे है। तूने मेरी नई कमीज खराब कर दी, अब मेरा बापू मारेगा। पर मैंने तुझे धक्का थोड़ी दिया था, तूने ये खींचा नहीं होता तो मैं मारता क्या? तूने ही मुझे गिराया। पर तू ये नई कमीज लाया कब, ये तो बता। मेरे बापू लाए हैं, पता है तुझे, मैं कल मेले में भी जाऊंगा और आइस कैंडी खाऊंगा। अच्छा तू मेरे घर चल, आज मेरे बापू मेरे लिए किताब लाने वाले हैं, चल पढ़ेंगे। तू पढ़ सकता है? हाँ। बेटे भोलू। आया बापू। राम राम सुखी चाचा। राम राम कालू, कैसा है तेरा बापू? बड़े मजे में है, वो तो आजकल खुश भी बहुत रहते हैं। आपने जो बात बताई थी ना चाचा, तो पिछली बार बहुत अच्छी फसल हुई थी, देखो मुझे अच्छी सी कमीज भी दिलवाई है। वो तो ठीक है बेटा, पर अब वो क्या कर रहा है? काम वाम कुछ करता है कि फिर वही आराम? आपने जो बताया वो कर दिया, अब तो उसे आराम ही आराम है। अरे भाई किसने कहा ऐसा, खेती का काम जो है उसमें एक ही बार मेहनत करने से काम नहीं चलता, उसमें तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। एक बार मेहनत की तो एक बार फायदा होगा, बार बार थोड़े ही होगा। खेती में तो हरदम नए सुधार और नए प्रयोग करते रहने से ही फायदा होता है। अगर तेरा बापू फिर से आलस करेगा तो फसल उगाने में उसकी जमीन भी आलस करेगी। ठीक है चाचा, मैं जरूर बताऊंगा उसे। ए कालू चल इधर आजा, देख मैं वो किताब ले आया। ओम ह्रीम क्लीम काली कलकत्ते वाली, तेरा पार न जाए खाली, जा तेरा काम हो जाएगा। बाबा बाबा, अगर मेरे बच्चे का बुखार उतर जाएगा तो एक मुर्गा दूंगा बाबा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या देगा? लाया हूँ ना। क्या है? गेहूं है, फसल की कटाई के बाद पहला तुम्ही को दे रहा हूँ, पर मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। अरे चिंता मत कर पगले, मैं हूँ ना, वो जो थी मैंने उसे भगा दिया है। कौन थी वो? यहाँ की नहीं थी रे, पास वाले गांव की थी। अच्छा अब तू जा। हाँ तो बोल भाई दुखी, तेरी क्या तकलीफ है? बाबा, ओ बाबा, अरे मेरा खेत जो है उसमें कुछ खराबी आ गई थी, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें मेरे पड़ोसी सुखी राम का हाथ है, फिर भी मैंने खूब मेहनत करके इस बार तो अच्छी फसल ली है, लेकिन अब उसमें मेरा आराम देखा नहीं जाता, वो मेरे से जलता है, मेरे छोरे को भी भड़काता है कि तेरा बापू ऐश करता है, तो इस बार भी अच्छी फसल नहीं होगी, और हकीकत में वो इस बार भी कुछ जादू टोना करके मेरी जमीन खराब करवाने की सोच रहा है, बाबा कुछ करो। तो ये बात है। हाँ तो क्या करना है बोल, तेरी जमीन बचानी है या उसकी जमीन पर कुछ उल्टा सीधा करना है? बाबा मैं तो चाहता हूँ दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मेरी जमीन सही सलामत रहे और उसकी खराब हो जाए। अरे सब कुछ हो सकता है,
बाबा के पास हर तकलीफ का इलाज है बाबा, लेकिन महंगा पड़ेगा, डबल काम का डबल रेट लगेगा। कोई फिक्र नहीं बाबा, कोई फिक्र नहीं, जो मांगोगे मिल जाएगा। बाबा कुछ नहीं मांगता रे, वो मांगती है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो चाहें। एक काम कर तू, हाँ चार दिन बाद आना, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन क्या लेकर आऊं? अरे तू आ तो सही, उस दिन वो जो मांगेगी दे जाना, अगर उसे नाराज करेगा तो फिर तेरा सत्यानाश हो जाएगा। नहीं बाबा। बाकी जा मजे कर। ठीक है ठीक है। बापू, ओ बापू बापू। अरे क्या है, चैन से सोने भी नहीं देता। बापू आज भोलू बता रहा था कि उन्होंने तो बुआई भी कर दी और उनको तो पानी की कोई तकलीफ ही नहीं, फिर हमें क्यों पानी की तकलीफ है? हाँ तो ये बात है, ये जरूर उस सुखिए का किया कराया है। मैं अभी जाकर ठीक करता हूँ उसे, छोड़ूंगा नहीं इस बार। ए सुखीराम, अबे ए सुखिया, अबे बाहर आ तू, तेरे खेत से बाहर निकल। अरे क्यों भाई दुखी, फिर से क्या हो गया? तू तेरे खेत से बाहर आकर बात कर। क्यों भाई, मैं क्यों बाहर आकर बात करूं? तुम देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूँ? तू आया यहाँ, तुझे किसने रोका है? अरे तेरे जादू टोने ने रोक रखा है मुझे, तेरी जमीन पे मैं पैर नहीं रखना चाहता। देख दुखी, पहली बात तो ये कि मैं तुझे बार बार कह चुका हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा किसान हूँ, मैं जादू टोने में विश्वास नहीं करता। मैंने तेरी या मेरी जमीन पे ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी बात यह कि तुझे मेरे से बात करनी है तो तू इधर आ, मैं वहाँ क्यों आऊँ? देख देख यहाँ तो आ गया हूँ, पर एक बात याद रख तू, तेरी कोई चालाकी इस बार नहीं चलने वाली, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, देखता हूँ तेरी फसल मुझसे ज्यादा कैसे होती है इस बार। दुखिया मतलब तू ओझा के पास जाता है? अब तुझे उससे क्या मतलब, अब वो सब छोड़। तेरा छोरा कहता है तूने इस बार बिल्कुल कम पानी में काम चला लिया, तो मेरे खेत में क्यों ज्यादा पानी जा रहा है बोल? वो तो तू जाने और तेरी जमीन। तूने ही कुछ किया है, तूने ही। दुखिया ऐसा कुछ नहीं है, तू किस तरह से खेती करता है वो तू जाने, पर एक बात बता देता हूँ कि एक फसल की कटाई से पहले या तुरंत बाद दूसरी फसल के बीज बोना शुरू कर दो तो कम पानी में काम चल जाता है। अबे झूठ क्यों बोलता है, है ऐसा हुआ है कभी? मैं सही कह रहा हूँ। अरे हमने भी खेती की है, बरसों से कर रहे हैं, ऐसा कभी सुना है क्या? अरे नहीं मानता है तो पूछ ले ग्राम सेवक से। हाँ हाँ इस बार तो जिससे तू कहे उससे मिलूंगा, मैं कोई इतना भी ना समझ नहीं हूँ। तो ठीक है अभी शांत होकर घर जा, कल मैं ग्राम सेवक के साथ आऊंगा। हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन देख लेना कुछ उल्टा सीधा किया तो सुखिया छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ बोल देता हूँ छोड़ूंगा नहीं। सुखीराम एक पढ़ा लिखा किसान है जबकि दुखीराम अनपढ़। सुखीराम सुखी है क्योंकि वो हमेशा खेतीबाड़ी की कोई ना कोई नई बात उपयोग में लाने की कोशिश करता है। वो पढ़ा लिखा है तो उसकी दृष्टि खुली हुई है, दिमाग के दरवाजे नए विचार नई सोच का स्वागत करने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। नई सोच और विज्ञान को वो न सिर्फ खेती में पर अपनी निजी जिंदगी में भी बखूबी काम पे लगाता है, और यही सारी चीजों के अभाव के कारण दुखीराम हमेशा दुखी रह गया। दुखी के अनपढ़ होने की वजह से जिंदगी को देखने का उसका नजरिया ज्यादातर गलत होता है, जैसे कि उसके आलसीपन के कारण खेती में आती समस्याओं को वो नसीब का खेल या सुखीराम का काला जादू समझता है। एक बार गलत दिशा में सोच चली गई तो फिर आगे आगे वह गलत ही सोचता चला जाता है और अपनी समस्याओं का समाधान ओझा जैसे गलत लोगों के पास ढूंढने चला जाता है, वो उसे और गलत दिशा सुझाते हैं और दुखीराम सुखीराम से लड़ पड़ता है।
पर दुखीराम बिल्कुल बुरा भी नहीं है। उसके दिमाग का पारा जब नीचे उतरता है तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। देखिए, इसलिए तो वो इस बार सुखीराम के साथ ग्राम सेवक से मिलने को तैयार हुआ है। देखते हैं दुखीराम की समस्या का समाधान होता है या नहीं। दुखिया, सबसे पहले तो एक बात तुझे बताना बहुत जरूरी है। तुझे जो कुछ बताया जाए वो तो तू कर लेता है और उसके बाद आंखें बंद करके राम भरोसे सो जाता है। हैं? अरे भाई, खेती में तो हजारों मुश्किलें आएंगी और एक के बाद एक उनका हल ढूंढते रहना बहुत जरूरी होता है। देखो साहब, मैंने तो जो आपने और कृषि विभाग वालों ने समझाया था वो सब किया, तो अब ये नई परेशानी कहां से आ गई? अरे भाई, वो अलग बात थी, ये अलग समस्या है। उस वक्त जो तुझे समझाया वो तूने किया और तुझे फायदा हुआ। ये नई परेशानी है तो उसका नया हल ढूंढने का प्रयास किया तूने? ऊपर से तेरी हर परेशानी के लिए मुझे जिम्मेवार ठहराता है। और देख, तुझमें थोड़ी सी भी अकल होती तो तू सुखी या मुझसे जरूर पूछता। तू तो उल्टा चला गया ओझा के पास और पड़ गया चक्कर में तंत्र मंत्र के। अरे भाई, ओझा ने कभी खेती की है जो तेरी समस्या का समाधान वो तुझे बताएगा? चालाक मत बन सुखीराम, तूने मेरी जमीन खराब की है तूने। अरे भाई, वो तेरी जमीन क्यों खराब करेगा? जलता है, जलता है, जलता है मेरे से। मेरा आराम उससे देखा नहीं जाता। दुखी, मैं यहाँ तेरी मदद करने आया हूँ, ऐसी अनपढ़ गवारों जैसी बेवकूफी की बातें सुनने नहीं आया। और हाँ, मैं उसी की मदद करता हूँ जो मेरी सलाह पर अमल करे, मेहनत करे। तो क्या मैं नहीं करता मेहनत? पिछली बार आपने जो बोला वो सब किया था साहब। तो अब की बार भी करेगा जो मैं बोलूँ वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। तो सुन, अपनी जमीन पर तू एक से ज्यादा फसल उगाना चाहता है तो तैयार फसल को काटने से पहले ही नई फसल की बुआई शुरू कर दे। ये सबसे अच्छा तरीका है पैदावार बढ़ाने का। ऐसा कैसे हो सकता है? पूछ सुखी राम को, उसने क्या किया है। अरे हाँ भाई, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। पर इससे फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे, पानी कम लगेगा और जमीन खराब नहीं होगी। अच्छा, कैसे? एक फसल कट गई और दूसरे की बुआई करने में देर कर दी तो तेरी जमीन खुली पड़ी रहेगी। जमीन की नमी तो सूरज के ताप से सूख ही जाएगी, उसकी ऊपरी परत तेज धूप और बारिश में बह जाएगी और उसके साथ ही साथ जमीन की उपजाऊ तत्व भी उनके साथ बह जाएंगे। भैया, एक के पीछे दूसरी फसल तुरंत करने का यही तो फायदा है। पर ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं। अरे पुरखों से हम तो खेती करते आए हैं, पर आप जैसा कह रहे हो वैसा कभी सुना नहीं। परंपरा के हिसाब से तो ये गलत है। और साहब, खेती तो कुदरत के हाथों में है। अरे दुखी राम, ये पुरानी बातें हैं भैया, अब समय के साथ चलो। नई खोज, नई जानकारी, नया ज्ञान ये कह रहा है और उसका फायदा ही हुआ है। ये सब मेरी या ग्राम सेवक की मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये विज्ञान की बात है। सरकार इसके पीछे कितना खर्च करती है। और रही कुदरत की बात, तो वो तो अपना काम करती रहेगी, पर अपना काम हमें भी तो मेहनत से करना चाहिए। सही दिशा में मेहनत करना और भी जरूरी है। सही दिशा मिलेगी सही ज्ञान से और ज्ञान मिलेगा अक्षर ज्ञान से। बाकी तो बैठे बैठे सिर्फ गलत बातें ही सोचती है। फिर भी तुझे कोई शंका हो तो कल कृषि विशेषज्ञ से ज्यादा जानकारी लेंगे, क्यों सुखी? हाँ सब, हाँ जरूर। देखा सुखी राम कैसे हमेशा तैयार रहता है नई बातें जानने के लिए। ठीक है साहब, कल चलेंगे कृषि विशेषज्ञ से मिलने। तो देखा, फिर जब यही बातें कृषि विशेषज्ञ ने समझाई तब जाकर दुखी राम की सोच बदली। फिर फसल तो अच्छी हुई ना। हाँ, और नहीं तो क्या। शंभू, ये दुखी भी तेरी ही तरह सोचता था ना, पर वो कितना गलत था। ये ज्ञान विज्ञान की बातों का जमाना है, अगर सब कुछ जादू टोना से होता तो पूरी दुनिया का कारोबार जादू टोना से ही होता और ये ओझा दुनिया के राजा बने होते। सक्का जी, मैं भी दुखी राम की तरह अपनी गलती मानता हूँ और आज से जादू टोना में कभी विश्वास नहीं रखूंगा।
और जितनी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी मैं शंकर से लूंगा। हाँ, अब समझा, चल फिर। राम राम काका जी। राम राम, राम राम। तो देखा आपने, पढ़े लिखे इंसान का दिमाग अनपढ़े दिमाग से कितना अलग ढंग से सोचता है। अक्षर ज्ञान ही जानकारी, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अच्छा, तो फिर मिलेंगे, तब तक राम राम, खुदा हाफिज, गुड बाय। ज्ञान बिना नर पशु समाना, कह गए तुलसी संत सुजाना। कक्का जी ने मरम ये जाना, काम बनाए अक्षर ज्ञान, काम बनाए अक्षर ज्ञान।